सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल पंजाबी फैशन दे विच। अज मैं तुहानू दस्सांगी किस तरह असी किन्ना तीरा लैके आर्म होल है जिहड़ा ओह किन्ना रखना है, किस तरह काट पाउणी है, मैं गलाई क्यों नहीं पाई एक्सट्रा एक्सट्रा। मैं तुहाडीआं सारीआं गल्लां दे इस वीडियो विच जवाब भी देवांगी। सब तो पहला जिन्ना तुहाडा तीरा है उन्ना तुसीं लैणा है, उसदा हाफ करना है। शोल्डर मतलब तुहाडे किन्ने है तीरा, उहदा हाफ करके तुसीं जिहड़ा नीचे आर्म होल का निशान लगाउणा है, वह जिन्ना तुहाडा तीरा आया उस तो 1 इंच ज़्यादा लैना है। सब तो सौखा मैथड है जी, तुसीं कोई सूट किसी का भी स्टिच करदे हो उन्हां दा तीरा मीनो तीरे नूं 2 ते डिवाइड करो, जे तुसीं नहीं उदां कढ सकदे जां अद्ध कर लो। अद्ध करन तों बाद जिन्ना आ गया तीरा उस तो 1 इंच ज़्यादा तुसीं आर्म होल लैणा नीचे नूं, ठीक है जी। इस तरीके नाल तुहाडा जिहड़ा आर्म होल है बिल्कुल सही आऊगा, किसी भी साइज़ की तुसी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ी हैगी आपदी गले का निशान लगाना, तुसी पौने तीन तीन जिन्ना भी तुसी पाउने हो ये तुहाडी ऑप्शन है, तुसी रख सकते हो जिन्ना मर्जी। गला जिन्ना डीप होगा तीरा उन्ना घटता जाऊगा, ये हमेशा याद रखियो जी। ये स्टिचिंग के कुछ रूल होंगे ने, मैथड होंगे ने, हर एक का अपना अपना वैसे तरीका जी स्टिचिंग का कटिंग का। इस तो बाद मैं जिहड़ी हैगी है फिटिंग का निशान लगाऊंगी 14.5 ते। 14 ते भी असी लगा लैने पर 14.5 ते लाने नाल ये है भी उपर कई बार काट भी पैंदी है, स्टिचिंग भी आ जाता कपड़ा। अगर कोई हैवी है वह 15.5-16 ते भी लगा सकते हो। चाक का निशान मैं 23 ते लगाऊंगी। अगर कोई हैल्थी है उसका 23-24 कर सकते हो। अगर कोई पतला है तो वह 21-22 ते भी रख सकते हो, ठीक है जी। नीचे 2 इंच का मैं मिनिया होया सीगा जो असी फोल्ड करना, ठीक है जी। सॉरी उस तो बाद इस दे विच मतलब कि इस तरह मैं निशान लगा लेने। हुण मैं अपनी जिहड़ी चैसट है उसका निशान लगाऊंगी, तुहाडी जिन्नी है तुसीं उन्ना निशान लगा लेना, जिन्नी भी तुसीं अपनी छाती रखते हो। मैं 19 रखदी हाँ तो 9.5 ते निशान लगा लूँगी। उस तो बाद मैं कमर ते लगाऊंगी 17 ते। देखो जी इत्थे 16 आ सकता है, 2 इंच मैनू पता है गल का कि इतने 2 इंच घट के लैना हुंदा, 2 इंच का फर्क पाना हुंदा, ठीक है। आपां ने पर इहदे विच इह है जी भी कोई मतलब पा सकदा, ज़्यादा टाइट कपड़े कोई नहीं पा सकदा, इस करके असी 1.5 इंच का भी रख सकते हैं, नो इशू। तो बाकी इन्ना रखने नाल अद्धा अद्धा इंच कपड़ा बिच भी आ जाता, उही 16-16.5 इंच रह जाता, ठीक है। इस तो बाद मैं हिप का निशान लगाऊंगी 10.5 ते। तुहाडा जिन्ना भी है हिप तुसीं उन्ना निशान लगा सकते हो। टाइट लूज तुसी अपनी बॉडी के हिसाब न रख सकते हो जी, जिस तरह का भी तुसी पाना पसंद करते हो, ठीक है। इस तो बाद मैं मिला दूंगी। उस तो बाद मैं तुम्हें दस्या सी असी 2-2 इंच मिन के जो एक्सट्रा कपड़ा वो कट कर देंगे, 1.5-1.5-2-2 इंच तुसी कपड़ा 1.5 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। इस तरीके ना इन्हां नूं मिला दोगे तुसीं, कपड़ा कट कर दोगे। ये कोई जरूरी नहीं हुंदा जी भी असी जिहड़ी हैगी है फिटिंग इन्ना सूट फिट करना है भी असी किसी मैरिज ते चले होईए, असी बस उसदी उस गल नूं लैके बह जाइए कि असी इत्थों इन्ने लैणा गाहां साडे कमीज पवे ना। मेरा मानना यही है कि जी वो चीज़ नूं पाओ बनाओ जो जिहदे विच असी कंफर्टेबल होईए, ठीक है जी। हुण असी आ गए वो चीज़ ते जो तुसी कहिंदे सी कि मैं गलाई क्यों नहीं पाई। गलाई इस वाली काट विच पैंदी है जी, मैं काटा 2 तरीकिआं नाल तुहानूं पा के दिखाऊंगी। एक मैं अपनी कमीज़ ते भी पाऊंगी, एक मैं तुहानूं इह दस रही हाँ जो तुसी पुछी सी। इहदे विच भी उसे तरह ही मैं लैता 6.5 तीरा नीचे आर्म होल 1 इंच ज़्यादा 7.5। उस तो बाद मैं चैसट ते निशान लगाया ते इहदे विच जिहड़ी हैगी है फ्रंट दी ते बैक दी दोनों दी मैं तुहानूं काट दसूंगी। जिहड़ी फ्रंट दी काट हैगी वह 1.5 ते पऊगी, बैक दी 2.5 ते पऊगी, ठीक है जी। ये देखो 2.5 ते पाउणी है तुसीं, वह 1.5 ते पाउणी है इस तरीके नाल, ठीक है।
काट ये भी सही है जी, बहुत लोग पाउंदे नहीं, यही चलती है खास करके। पर मेरा वो तरीका है, मैं जिन्हों तो स्टिचिंग सीखी सी उन्होंने सानू उस तरीके ने दस्या सी। असी भी उन्होंने ये क्वेश्चन किया सी कि तुसी गलाई क्यों नहीं पाउंदे, तां पर उन्होंने कहा कि ये काट पाउण नाल थोनू खिच वगैरह जो पैंदी है वो नहीं पएगी, ये सही है काट। तां मेरा मतलब हाथ उस चीज़ से टिक गया। ये काट भी तुसी पा सकते हो, जरूरी नहीं तुसी उही पाउणी है, जिस चीज़ तुहानू कंफर्टेबल लगे तुसी उही काट पा सकते हो। ठीक है, इस तो बाद जितों तुसी कटाई मतलब कि इतने आगे कट वाली लाइन उसे तो शुरू करनी है गलाई पाउनी। ये पौने 2 इंच ते पाऊगी ये वाली काट है, ये बैक दी है, याद रखना तुसी। बैक दी जिहड़ा पिछली साइड हैगी बैक वाली, उहदे ते ज़्यादा डूंगी काट नहीं पैंदी, वो सिर्फ फ्रंट ते पएगी। ठीक है जी, ये देखो ये तुहाडी गलाई पैगी। हुण तुसीं की करना, उपरला हिस्सा चकना, उसे तरीके ने उपरले च पाऊगी इहदे च भी काट, वो तुहाडे नीचे वाले च भी गलाई आ गई जो तुसीं कहिंदे सी। उपरला पल्ला चक के तुसीं उहदे विच 1.25 दी काट पाउणी है। ठीक है जी, इस तरीके ने। पर इहदे विच भी एक है गल कि तुसीं इह काट नूं दूसरी साइड ने इहदे जिथे तुसीं तीरे दा निशान लगाया इत्थे ही खत्म कर देना लिया के। अगर तुसीं ज़्यादा डूंगी काट पाओगे तो तुहाडे खिचाव पऊगा। ठीक है, अगर काट ज़्यादा पैन करके खिचाव पैंदा है उसका कोई हल नहीं। अगर तुसीं जदों अटैच करदे हो उदों कपड़ा वध घट लै लिया विच, उहदा हल है, उहनूं तुसीं पट के दुबारा सही कर सकते हो। ठीक है जी, अगर तुसीं काट गलत पाती तो उहदा कोई हल नहीं, उह तुहाडा कमीज खराब हो गया। हुण मैं तुहानूं दस्सांगी जो मैं काट पाउणी आ। गलाई उहदे विच भी तुसीं पिछे पा सकदे हो, थोड़ी पऊगी, ज़्यादा नहीं पानी नहीं भी पा सकदे। इस तरीके ना जिथे मैं चेस्ट का निशान लगाया उस तो मैं सीधा तीरे ना मिला दूंगी। काट इहदे ते भी पै जाती है वो वाली, जिवें मैं हुण निशान लगाया सी इत्थे दोन्ने काटां पै जांदियां, पर इत्थे असीं 2 इंच दी लूजिंग दे के दोन्ने वो वालियां काटां पा सकदे सी। पर मैं इत्थों फिटिंग तों इधर नूं सीधा कट दूंगी, उपर नूं मिला दूंगी जिथे तीरे दा निशान लगाया, इस तरीके ना। उपर ये 1/2 इंच दी काट पैंदी हुंदी है जी, तुसीं पाउणी पाउणी है इस तरीके ना। हुण तुसीं उपरला हिस्सा चकना, बस उस काट पा देनी है। नीचे भी पा सकते हो तुसीं, इदां भी रख सकते हो इत्थे जे तुसीं गलाई पाउणी चाहुंदे हो तां। मैं तुहानूं पा के भी दिखाऊंगी एक बारी। ठीक है जी, इस तरीके देखो ये काट है जिहड़ी, ये जिहड़ा इसी तीरे दा निशान लगा के इहदे विच विच होनी चाहीदी है। जे तुसीं बाहर कढ़ती काट ज्यादा डूंगी पाती तां तुहाडे खिचाव पक्का पऊगा जी। ये देखो जी पिछला हिस्सा भी इत्थे देखो ज़्यादा है, वो काट असीं मुरले च पाई है, ज़्यादा रखना ही रखना तुसीं। हाँ अगर तुसीं गलाई पाउणा चाहुंदे हो पिछे तां थोड़ी जी गलाई भी तुसीं पा सकदे हो, पर इन्हां नूं बराबर नहीं करना कदे भी दोनों नूं। अगर तुसीं चाहोगे फ्रंट ते बैक नूं तुसीं बराबर काट पा दो, ये कदे भी नहीं पाओगे, तां तुहाडा गलत हो जूगा अगर तुसीं दोनों सेम काट पाओगे तां। ठीक है जी, इस तो बाद पलोई का निशान लगेगा 12 ते 1/2 इंच बिच आके 11 ते रह जाती है पलोई साड़ी, 3.5 ते पाउणी हुंदी है। ये मैं तुहानूं पहला पिछली वीडियो दस्सिया सी। ठीक है जी, मैंने किसी सबसक्राइबर का मैसेज आया सी कि उन्होंने गले च खिचाव पै रहा जी। अगर तो तुहाडे मतलब कि अटैच वेले जो तुसीं बांह बाजू कमीज अटैच कीते दोनों उदों तुसीं कपड़ा वध घट कर गए, उसका तो हल हो जूगा जे उसनूं पट के तुसीं दोबारा अटैच कर लो, कपड़ा इको जिहा दिओ सीन दे विच। अगर तुसीं काट ही गलत पाती भी ज़्यादा पाती तो उसका कोई हल नहीं जी। ठीक है, सो इस तरीके नाल ये दोनों काटां पै गईआं ने जी।
मैं सुनु दिखा भी दिनी हाँ। दोनों काटा के बीचों तुसी कोई भी काट पा सकते हो, ठीक है जी। जिस दे विच तुहानू कंफर्टेबल लगता है तुसी वो काट पा के अपना सूट स्टिच कर सकते हो। इस दे विच कुछ गलत नहीं है जी, ठीक है। सही काट है ए वाली भी, तो ओ वाली भी, दोनों काटा सही ने। पर मैं इस तरीके ना पाउनी हाँ, मैं सुनू ये नहीं कहती कि कंपलसरी है भी तुसी यही काट पाओ। मैं सुनू दोनों दस दती है, जो पाउना जो सानू अच्छी लगी पा के देखियो कमीज, जिदे विच तुहानू कंफर्टेबल लग्या तुसी ओही वाली काट पा लेनी, ठीक है जी। ये नहीं हैगा भी मैनू वो वाली काट बारे पता नहीं सी, काट दा मैनू उहदा भी पता है, मैनू इहदा भी पता है। साडे स्टिचिंग टीचर ने सानू ये काट सिखाई है जी, सो मेरा हाथ इस ते टिकया होया, ठीक है। हुण मैं तुहानू दस्सूंगी जे तुसी चाहुंदे हो, देखो मैं तुहानू इहदे ते भी पा के दिखा दिंदी हाँ। ये ना सोचो कि दीदी ने आपदे सूट ते इदां ही रख्या भी पाई नहीं काट, हुंदियां दोनों ही काटां सही है जी। इत्थे मैं थोड़ी जी गलाई इत्थे भी तुसी पा सकदे हो, ठीक है। सो जो मेरी वीडियो नू लाइक कर रहे ने, देख रहे ने, शेयर कर रहे ने, सबसक्राइब कर रहे ने मेरे चैनल नू, उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक ये है जी भी सारी वीडियो नू तुर तक देखिया करो, एंड तो लैके सॉरी स्टार्टिंग तो लैके एंड तक देखिया करो। फिर तुसी मतलब कि कोई कमेंट करिया करो, तुसी वीडियो कई बार मुड़ो मुड़ो देखते हो, पूरी नहीं देखते दे। मैं तुहाडे सारे सवालों के जवाब वीडियो च दिंदी हुंदी हां, ठीक है जी। सो मेरी वीडियो नू लास्ट तक देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी।